बलिया के मंत्री जी पांच काम, जो बलिया के पांच काम अच्छे हुए हो, थोड़ा सा पांच अच्छे काम, पांच अच्छे काम किए गए प्रदेश को तो जानकारी हो गई, बलिया की जानकारी नहीं होती। पांच अच्छे काम मंत्री जी गिना दीजिए। किसी गांव के साथ कोई पार्शियलिटी है क्या? पूरे जनपद हाँ सर, एक जनपद के साथ कोई ऐसा विभेद हो बता दीजिए। एक फिरंगी टोला, क्योंकि प्रभारी मंत्री है और आप ही बता पाएंगे जनपद के। नहीं, जो कमियां है मुझको आप बता दीजिए, वरना कोई काम कोई। आप मंत्री जी 6 साल की उपलब्धि बताने आए हैं, तो बलिया की उपलब्धि पांच काम मंत्री जी, पांच काम बैरिया क्षेत्र में सर। एक फिरंगी टोला सामने बुकलेट में जरा देखिए, अगर किसी काम को इस बुकलेट में जो मेंशन है विधानसभा वार, यहाँ हमारी विधायक बैठी है, अगर इनके क्षेत्र विधानसभा में जो काम आपको उस पुस्तिका में दिया गया है अगर उससे कोई इनकार हो तो बताइए, फिर उसकी हम लोग जांच करा ले। और हमें नहीं लगता कि कुछ गलत लिखा जाएगा किसी योजना के लिए। पुस्तक का विमोचन भी किया, कहीं बिजली पहुँचना बाकी हो, कहीं पानी गाँव में सिंचाई का कोई अभाव हो वो बता दीजिए, अस्पताल जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो हमारे इस तरह की चीजों को बताइए, स्पेसिफाई करके बताइए। अभी मुझे सीएससीओ पीएससीओ चाहे जिला चिकित्सालय हो, टोटल सब रेफरल अस्पताल है, कोई मरीज एक्सीडेंट यहाँ पे केवल बुखार का इलाज होता है सर। अभी आपके मंत्री जी ने कुछ वो बंद रहता था, जिला चिकित्सालय की व्यवस्था ही सुदृढ़ करा दीजिए मंत्री जी। कई बार बैठा है, बस कुछ नहीं, एमएस ने कह दिया कि जो है पत्रकार अलाउ नहीं है, होमगार्ड कैमरा नहीं चला है, होमगार्ड एक्सरे कर रहे हैं जिला अस्पताल में, होमगार्ड एक्सरे करता है। अच्छे अच्छे अस्पताल में गया था, बहुत कुछ लोगों ने बताया था, अस्पताल अगर ठीक नहीं होगा तो फिर ये हमारे जिले के लिए अच्छा नहीं है, वो भी जिला अस्पताल, तो हम लोग उसको बहुत गंभीरता से ले गए हैं। और जहाँ देखिए आपने स्टाफ की कमी बताया, मैंने आपसे कहा कि उसके लिए डॉक्टर और जो भी रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड के लिए इन सब टेक्निकल हेड से इनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो मिल जाए, और पैरामेडिकल की भी जो कमी है उसको भी, लेकिन व्यवस्था की जो कमी है उसके लिए जो व्यक्ति दोषी होगा उनके खिलाफ, आप यकीन नहीं करिएगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में जो है माननीय ब्रजेश पाठक जी, न जाने कितने अस्पतालों का दौरा दिन रात करते हैं उसकी बेहतरी के लिए, और बरसों का बिगड़ा हुआ सिस्टम है उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त और लगेगा। हमने आपसे कहा कि जिस दिन आपके शहर में एक मेडिकल कॉलेज बन जाएगा उस दिन ये अभाव ये कमियां अपने आप दूर हो जाएगी, और उस अस्पताल को हम लोग अपनी प्राथमिकता पे रखेंगे। तो राम मंदिर वाला हाल हो गया, ये आप लोगों से अनुरोध है, स्वल्पाहार और जल भी ग्रहण करते हैं।